एक आदमी किसी बुजुर्ग के पास गया और कहा, मुझे कोई ऐसा तावीज लिख दें कि मेरे बच्चे रात को भूख से न रोया करें। बुजुर्ग ने तावीज लिखकर दे दिया। अगले ही रोज किसी ने बहुत सारे पैसों से भरा थैला उनके घर में फेंक दिया। उस आदमी ने उन पैसों से एक छोटी सी दुकान खोल ली। कारोबार में बरकत हुई और कारोबार बढ़ता चला गया और उनके हालात बदल गए और पैसों की रेल फेल हो गई। एक दिन उस आदमी की नजर उस तावीज पर पड़ी तो उसने सोचा, इस तावीज को खोल कर देखता हूँ कि बुजुर्ग ने इस तावीज में ऐसा क्या लिखा था जो मेरे हालात यूं बदल गए। उसने तावीज खोला तो उसमें लिखा था, जब तुम्हारे हालात बदल जाएं और पैसों की रेल फेल हो जाए तो सारा पैसा तिजोरी में छुपाने की बजाय कुछ ऐसे घरों में डाल देना जहां से रात को बच्चों के रोने की आवाज आती हो। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे मोहल्ले में भी शायद कोई घर ऐसा हो जहां बच्चे भूख से रो रो कर सो जाते हों और हमें इस बात का इल्म न हो। अल्लाह ने हमें जितना दिया है उसका शुक्र अदा करें। और अगर आपके पास अपनी तमाम जरूरियात पूरी करने के बाद कुछ रकम बच जाती हो तो उनको गरीबों की मदद में सर्व करें।